हे गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोग अपने टाइजन मोबाइल में कैसे वीवो वीडियो आपको डाउनलोड कर सकते हो, और फुल प्रोसेस मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। डाउनलोड करने के बाद कैसे आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद कैसे वहाँ पर आप लोग वीडियो फाइल को मतलब वीडियो एडिट कर सकते हो, और उसके बाद एक्सपोर्ट करके भी दिखाऊंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। और गाइस, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, प्रेस करके ऑल कर देना ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चली जाए। तो चलिए उधर टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरा नाम भी जान लीजिए, मैं हूँ पायल, आप लोग देख रहे हैं पायल टेक। तो चलिए उधर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना फ़ोन दिखा देती हूँ। मेरा फ़ोन सैमसंग Z1 का है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो ट्रिक बताऊँगी आपको, ये सभी फ़ोनों में वर्क करेगा। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर सैमसंग Z1 मॉडल नंबर भी Z1 है। तो यहाँ पर इस ट्रिक को करने के लिए आपको जो है एंड्रॉइड प्रो की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है, वो उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, सारा प्रोसेस एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो के बगैर ये ऐप काम नहीं करेगा। तो आई बटन में भी मैं लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, बाद में उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चली जाती हूँ एंड्रॉइड प्रो के अंदर। ये है वो ऐप जिस ऐप से आपको सारा काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आप लोगों को 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, देन कन्वर्ट टाइप। तो उसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। देन यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है APK। तो वीवो वीडियो का APK मैं अपनी वेबसाइट पे दे देती हूँ, उसका TPK भी दे देती हूँ। आपको जो डाउनलोड करना है आप मेरी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा। देन यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ये थोड़ा देर कन्वर्टिंग होगा, तो आपका ऐप जितना बड़ा होगा उतनी देर तक ये कन्वर्ट होगा। तो ये इसको हम लोग थोड़ा कन्वर्ट होने देते हैं। और गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर देना। हमारी इस वीडियो का लाइक का एम मैं 20 रखती हूँ, आई होप आप लोग पूरा कर देंगे। ये बहुत ही छोटा है, आई होप आप लोगों के लिए इस एम को आप लोग आई होप कम्प्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है। गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे टाइजन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे आके अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है कन्वर्ट करने के लिए अभी तो छोड़ दिया। तो जैसा कि देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारे सामने यहाँ पर वीवो वीडियो का TPK आ चुका है। तो इसके ऊपर आप लोगों को सिंपल सा क्लिक करना है। ऐसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, कभी कभार तो करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से 11 इंस्टॉल आप लोगों को कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल वीवो वीडियो TPK। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मुझे सोशल मीडिया में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहां से निकल जाती हूं, ठीक है। तो मैं यहां से निकल जाती हूं, यहां से बैक, और यहां पर वेट करती हूं आके। तो थोड़ी देर में हमारा जो ऐप है वो यहाँ पर इंस्टॉल होके आ जाएगा, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। हमारे चैनल पर टाइजन फोन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, मतलब हम लोग लाते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीवो वीडियो ऐप इंस्टॉल हो चुका है हमारे फ़ोन में, यहाँ पर भी आ चुकी है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में भी आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग वीवो वीडियो ऐप को ओपन करते हैं, और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत एडिट करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अगर आप लोग वीवो वीडियो के ऊपर कैसे एडिट करते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वीवो वीडियो ऐप हमारा ओपन हो चुका है, इसका इंटरफेस देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग द फर्स्ट रनिंग प्लीज़ ओके, आपके सामने कुछ इस तरीके एक ओपन हो जाएगा इंटरफेस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग 5 मिनट के वीडियो तक आप लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर उससे ऊपर करना चाहते हो या फिर अनलिमिटेड वीडियो एडिट करना चाहते हो 5 मिनट के ऊपर, तो आपको प्रोफेशन मतलब पैसा डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लोग फ्री में कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली पैसा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर इस ऐप में हम लोग 5 मिनट तक वीडियो एडिट कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर नहीं कर सकते। अगर करना होगा किसी को तो वो यहाँ पर उसका प्रो वर्शन बाय कर सकते। तो यहाँ पर कैंसिल कर देती हूँ। कुछ इस तरीके का सिंपल सा
आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले कैप्चर, फोटो, एमवी, एडिट, एफएक्स, स्टूडियो, मटेरियल्स और इस साइड में भी कुछ है शायद से, और यहाँ पर कोलाज। तो यहाँ से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी वीडियो एडिट करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, कुछ आप लोगों का इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देन आप लोगों को जो भी वीडियो या फिर फोटो एडिट करना होगा, यहाँ से सबसे अच्छी बात है यहाँ पर फोटो भी आप लोग एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर से एक वीडियो सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था तो यहाँ पर, और हाँ इसको ऐड कर देते हैं, ऐसे इसको ऐड करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और यहाँ पर इस तरीके से आप लोग ऐड करेंगे तो वीडियो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद इस वीडियो आपके जो है एडिट में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दो वीडियो हम लोग फिलहाल के लिए दो या तीन कर लेते हैं, और ये भी आप लोग यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं, ऐसे ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग फुल स्क्रीन कर सकते हैं, यहाँ पर रेशियो है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऐड करती हूँ तो ये ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर और एक वीडियो ले लेती हूँ, ठीक है, ये 25 सेकंड का है तो इसको भी मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर क्लिक किया तो ये आ गया, तो यहाँ पर ऐड के ऊपर जैसे क्लिक किया तो ये यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये थोड़ा और बाकी है, हो गया। तो आपको मान लीजिए ये तीन वीडियो एडिट करना है, देन यहाँ पर आप लोगों को डन करना है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपका वीडियो एडिट सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर साउंड का ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट डाल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से सेव कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, ड्राफ्ट यहाँ पर सेव हो गया, तो यहाँ से हम लोग बैक कर लेते हैं। हमें अब थोड़ा सा वीडियो एडिट करना है, तो जैसे हम यहाँ से निकल गए तो हमारा बाकी का काम जो है वो स्टूडियो में रह गया, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने से हम वापस वहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी क्या करना है ना, हमें इसको प्ले करना है, तो अभी इसको जो है हम काटेंगे, तो यहाँ पर एडिट क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिप एडिट, इसको प्ले करेंगे। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पर एक बात नोटिस की, अगर आपको किसी भी पोर्शन को यहाँ पर काटना है ना, तो आप लोगों को पहले काटना पड़ेगा, मतलब अगर आपको यहाँ से यहाँ तक काटना है तो पहले आप लोगों को काटना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग जो है काम कर सकोगे। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, तो आप बीच में यहाँ पर से शायद स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो या नहीं, मुझे पता नहीं अभी, क्योंकि ये एकदम नया एप्लीकेशन है, अभी यहाँ पर थोड़ी देर यूज़ करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर देती हूँ, और यहाँ पर आप लोग गाना वगैरह टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी आप लोगों को नीचे मिल जाते हैं। यहाँ से आप लोग फाइनल वीडियो आपका कैसा बना है, आप लोग यहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर पॉज कर देते हो, देन यहाँ से आप लोग उस वीडियो को पब्लिश भी कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग किस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करना चाहते हो, एक बार में भी पब्लिश कर सकते हो। तो अगर नहीं करना चाहते तो एक्सपोर्ट टू गैलरी के ऊपर आप लोग क्लिक कीजिए, आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद आपका जो वीडियो है वो एकदम एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर कैसे एडिट करते हैं, छोटी सी छोटी डिटेल के ऊपर वीडियो चाहते हो ना, तो गैस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बोल दो, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगी। तो गैस यहाँ पर हमारा वीडियो जो है गैलरी में सेव हो चुका है, तो मैं यहाँ पर गैलरी में जाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। कहाँ गया, कौन सा वाला है, ये वाला है, यहाँ पर तो लिखा भी नहीं है। चलो वीडियो सेक्शन में मैं जाके देखती हूँ, ये वाला है, ये देखिए नाम भी कुछ दूसरा सा है, यहाँ पर XIAO, मतलब ये कुछ चाइनीज़ ऐप है इसलिए ऐसा कुछ नाम आ रहा है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमें ज़रूर से आप लोग सोशल मीडिया में फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, मुझे फॉलो नहीं करते आप लोग, गो कि मैं इतनी हेल्प करती हूँ आप लोग फॉलो नहीं करते, तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप लोग टाइजन ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, आप लोग वहाँ पे आके अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। अगर वहाँ पर नहीं हो सके तो मैं यहाँ पर आप लोगों के प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी और ऐसे सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो गाइस आज का ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।